नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का झांसी है। झांसी में आवास विकास इलाका है झांसी का। सामने आप देख सकते हैं आदमी तो आदमी, जानवर भी बेहाल हो रहे हैं सर्दी से। कुत्ते पन्नी के नीचे ठंडी को बचाते हुए। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अब हम विलम्ब ना करते हुए कोरोना की अपडेट की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं आज झांसी में कोरोना ने आज क्या गुल खिलाए हैं। बड़ी चिंता की बात है। अब हम जांच के लिए जो सैंपल लिए गए, 3618 सैंपल लिए गए जांच के लिए, जिसमें से आज बहुत दिनों का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया कोरोना ने और 406 मरीज पॉजिटिव केस पाए गए झांसी में। जी हाँ, 406 मरीज। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। हम आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हम आपकी लापरवाही से ही केस बढ़ रहे हैं और सर्दी बहुत है। अपना ख्याल रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और गर्म कपड़े, टोपा, मोजा वोजा पहन के, जैकेट पहन के निकलें और भीड़ भाड़ से बचें। अगर भीड़ में जाना पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं। अब टोटल जो एक्टिव केस हो गए हैं झांसी में वो 1968 केस हो गए हैं। ये बहुत चिंता की बात होती जा रही है। मेडिकल में आज 25 मरीजों को भर्ती कराया गया। मिलिट्री हॉस्पिटल में 79 मरीजों को भर्ती कराया गया। जिला जेल में 5 मरीजों को भर्ती कराया गया। हम आइसोलेशन में 1654 मरीजों को भर्ती कराया गया। अदर जिला एवं जिला में 205 मरीजों को भर्ती कराया गया। अब टोटल केस जो झांसी में एक्टिव केस हैं वो 1968 केस हो चुके हैं। रिकवरी रेट 93.30% पर रहा। अंकल मार्केट से बाहर हो गया। आप देख सकते हैं बच्चे सर्दी में घूम रहे हैं। बेटा क्यों घूम रहे हैं सर्दी में? अंकल घर में घुसे घुसे बोर हो गया था मैं। बोर हो गए थे? हाँ। क्यों, ज्यादा बिजनेस बिजनेस करते हो क्या? नहीं अंकल, पढ़ रहा था मैं। अच्छा, तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे। हाँ, तो थोड़ा सोचा बाहर आ जाए। तो सर्दी नहीं लग रही? अब तो खेलो अंकल, गर्मी लगती है। अभी आपने हमें आवाज लगाई दी तो क्या हमारा चैनल देखते हो? हाँ, आपका चैनल देखता हूँ मैं रोज, कोविड-19 की केस देखने के लिए। कौन सा चैनल है हमारा? मार्केट संवाद नाम से आपका चैनल। अच्छा, अच्छा लगता है? हाँ अंकल, आपके केस देखता हूँ मैं कि आप क्या बोलते हो। अच्छा। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद बेटा। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, अच्छे अच्छे मकान। सर्दी 4-6 दिन से काफ़ी पड़ रही है, अभी और वक्त लग सकता है। इसलिए हम आप सचेत रहें और सर्दी का बचाव करें। हम आप जब सर्दी से बचाव करेंगे तो हम ज़रूर कोरोना को हरा पाएंगे, क्योंकि सर्दी में केस ज़्यादा निकलते हैं और सर्द हवाएं हैं, ठंडी ठंडी बर्फीली हवा नुकसान कर रही है लोगों को। इसलिए अपना बचाव करें। ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना कुछ खाने पीने को जी चाहता है। अब ठंड बर्दाश्त नहीं होती, सब कुछ छोड़कर रजाई में घुस जाने को जी चाहता है। आवास विकास और न्यू नंदनपुरा का मिला जुला एरिया है, इलाका है ये जो आप मार्केट संवाद पर देख रहे हैं। वो गर्मी में भी सजा देता है, वो सर्दी में भी सजा देता है। टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। पूरा सुनसान है गली मोहल्ले, क्योंकि सर्दी, ऊपर से कोरोना। हर आदमी अपने घर में रजाई में घुसना चाहता है और घुसना भी चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए। आग जलाएं, हीटर जलाएं और सर्दी का ध्यान रखें। एक काले बादल, एक ठंडी हवा, किसने एक घटा बिखराई है।
साजिश है या खुदा की, या आज फिर कोई जुल्फे झुमके से टकराई हैं। पूरा सन्नाटे में है इलाका, कभी दिमाग कभी दिल कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। अब हम गली मोहल्लों से निकलकर मेन सड़क पर आ गए हैं, शिवपुरी हाईवे पर। जैसा कि आप देख रहे हैं चमचमाते नज़ारे को, मार्केट संवाद पर देख सकते हैं, लाइटों से जगमगा रहा है हाईवे। शिवपुरी हाईवे है, नंदनपुरा की ओर जाने वाली सड़क है, शिवपुरी बाज़ार की ओर जाने वाली सड़क है। कितना सुंदर नज़ारा है, गाड़ियां चली आ रही हैं, हाईवे का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मों में जो हम सीन देखते हैं उसी तरह से चमचमाती रोड, दूधिया लाइटें रोशनी बिखेर रही हैं। ये सामने नारायण गार्डन है, विजय ट्रेडर्स है, भगवती मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर सोहित गुप्ता हैं, विश्वास आयुर्वेद है, माँ पीताम्बरा इंटरप्राइजेज है। काफ़ी दुकानें इस तरफ खुल गई हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने नारायण गार्डन को, अभी सन्नाटे में शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। माँ माई बिल्डर्स है, श्री राम प्लाई बोर्ड है, अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई हैं, बालाजी मार्बल हाउस है। एक खूबसूरत नज़ारा आप घर बैठकर मार्केट संवाद पर देख सकते हैं। मार्केट संवाद हर जगह की आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा, सर्दी हो या गर्मी हो। बस आपके कमेंट में हमें हिम्मत मिलती है, प्यार मिलता है आपका, तो हम दौड़े दौड़े चले जाते हैं अपडेट दिखाने के लिए। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और कमेंट भेजें, बताएं हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें घर बैठकर रजाई में मार्केट संवाद। ये शिवपुरी हाईवे की ओर जाने वाला मार्ग है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या सीन है, क्या सड़क है, चमचमा रही हैं लाइटें, काफ़ी डेवलप हुआ है इस एरिए में। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। रात के 8 बजने को हैं और बड़ा अच्छा नज़ारा है रात का, जैसा कि आप देख रहे हैं। आँख में पानी रखो, ओंठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे गांव हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये रात का सीन कितना सुंदर दिखाई देता है, चमचमाती लाइटें, कार मोटरसाइकिल। बस अपना ख्याल रखें और सर्दी में घर से ना निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। हम हैं आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए, हम आपको अपडेट आपके घर तक पहुंचाते रहेंगे कि झांसी में क्या हो रहा है, किस हाल में बाज़ार है, किस हाल में गली मोहल्ले हैं। आप अपना बस प्यार कमेंट भेजते रहें, हमें अपनी सलाह दें और कमेंट भेजें हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।